हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेरा NIACL फेज़ वन का स्कोर कार्ड और मैं बताऊंगा कि एक्यूरेसी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपके एग्ज़ाम के अंदर, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितना मैटर करते हैं और जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, एक बार पहले एनालिसिस स्कोर का, उसके अकॉर्डिंग अपने बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मैंने ये एग्ज़ाम दिया था वो विदाउट प्रैक्टिस के दिया था, मतलब एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं की, मैं डायरेक्ट ही चला गया था एग्ज़ाम देने के लिए। क्योंकि एक तो आपको पता ही होगा मैं SBI में हूँ, तो SBI में काम का बर्डन ज़्यादा रहता है, इतना टाइम नहीं मिल पाता। ऊपर से एग्ज़ाम के टाइम पे मेरा ट्रांसफ़र हुआ था 35 किलोमीटर जहाँ मैं पोस्टेड था उससे, तो टोटल डेली 70 किलोमीटर का मैं अप डाउन करता था, तो कोई चांस ही नहीं था प्रैक्टिस वगैरह का। तो यहाँ पे अगर मैं विदाउट प्रैक्टिस बात करूँ फिर स्कोर की बात करूँ, तो यहाँ देखो सबसे पहले अपने बात करें इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश सेक्शन में 28.75 है। अब कोई बोलेगा सर विदाउट प्रैक्टिस तो कभी इतने मार्क्स आ ही नहीं सकते इंग्लिश में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इंग्लिश में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, प्रैक्टिस अच्छी चीज़ है, प्रैक्टिस से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट बन गए तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी बहुत वोकैब का मैटर होता है, लेकिन वो भी इतना बड़ा इश्यू नहीं होता अगर आपकी वर्किंग क्लियर है। अगर आपको इंग्लिश की वर्किंग अच्छे से क्लियर है ना, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और मुझे तो इसलिए दिक्कत नहीं होती क्योंकि मैंने तो वर्किंग तैयार की है खुद से, मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश में चलती है साइंटिफिक अप्रोच, उसमें कोई रूल्स वगैरह नहीं होते। अब किसी को नहीं पता साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है, वर्किंग क्या होती है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा। आप टेंसेस की क्लासेस देखना, वहीं से मैक्सिमम हिंट मिल जाएगा कि वर्किंग कैसे होती है, अलग कैसे है। अपना मेथड जो अपने करते हैं वो बिल्कुल अलग है सबसे, ठीक है, अपना बिल्कुल ही अलग मेथड है, साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया, खुद से तैयार किया गया मेथड है। आप एक बार चेक कर लेना चाहिए प्लेलिस्ट में जाकर, आपको पता लग जाएगा। तो वो उस तरीके से आपकी वर्किंग क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे इंग्लिश में मुझे पूरा याद नहीं है, मैंने पता नहीं 2 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे स्किप किए थे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था उसके अंदर, वो भी वोकैब के कारण था, क्योंकि मैंने बोला आपको विदाउट प्रैक्टिस वोकैब में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन वर्किंग से मैक्सिमम हो जाता है आप लोगों का, तो वो इश्यू था, इसलिए यहाँ पे 2 या 3 मैंने स्किप किए थे। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ प्रैक्टिस का कुछ रोल, तो आप देख पा रहे हो पूरा यहाँ पे आपको रीजनिंग में और आपका जो क्वांट सेक्शन वहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है प्रैक्टिस का रोल, विदाउट प्रैक्टिस क्या हाल रहता है। तो विदाउट प्रैक्टिस यहाँ पे क्या हो गए, मार्क्स डिक्रीज हो गए ना, कम हो गए ना, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं थी। रीजनिंग में थोड़े ज़्यादा रहते हैं विदाउट प्रैक्टिस, क्योंकि रीजनिंग में पजल वगैरह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो बन जाती है, लेकिन मैथ्स में तो आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूरा इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी। ओवरऑल मार्क्स की बात करूँ 67.5 मार्क्स है यहाँ पे, तो मुझे पूरा याद नहीं है, पता नहीं 66 या 68 ऐसे मैंने अटेम्प्ट किए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा जो आपके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है, कि जब कोई बंदा विदाउट प्रैक्टिस के इतने मार्क्स लेकर आ सकता है, तो आप लोग तो रेगुलर टच में हो ना उसके और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके मार्क्स तो इससे 20+ आने चाहिए ना, तो आप इससे 20+ ईजिली लेकर आ सकते हैं, ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए। तो अपने को रोकता क्या है, वो क्या फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी नेगेटिविटी, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का ना होना। एक तो आप लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेन इशू वो है, उसके बाद आप नेगेटिव हो जाते हो। जब एग्ज़ाम चलता होता है उस टाइम पे ऐसे सोच लेते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो उस टाइम ऐसा नहीं सोचना होता, वो टाइम उस एग्ज़ाम का होता है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ वो पूरा टाइम उसको डेडिकेट करते हो एग्ज़ाम को, तो वो भी बदले में आपके लिए डेडिकेशन दिखाएगा और आपका सिलेक्शन करवाएगा। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, देखो ज़्यादा प्रैक्टिस करें, दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत करना, वो अकेला इतना, देखो मेहनत करना अच्छी बात है, उसके बिना रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन ओनली मेहनत से भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा आपके आज के कॉम्पिटिशन के टाइम में, ठीक है। आपको उसके साथ स्मार्टनेस भी दिखानी होती है, और सबसे जो बड़ा रोल होता है मेहनत से भी या फिर सिलेक्शन के लिए जो सबसे बड़ा रोल होता है वो माइंड का होता है, माइंड की स्टेबिलिटी का होता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको अपना माइंड स्टेबल रखना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे मेरे मार्क्स आने का कारण क्या है, क्योंकि मेरा माइंड स्टेबल है, ठीक है, मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इजीली कर सकता हूँ। तो बस ये चीज़ क्या करती है कि आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाती है, आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले देखो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रिपरेशन में कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आपको माइंड की स्टेबिलिटी पर वर्क करना पड़ेगा, अपने माइंड पर वर्क करना पड़ेगा, उसको फ्लक्चुएट होने से रोकना पड़ेगा।
तो उस पर भी आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि माइंड को स्टेबल कैसे करें। तो उसकी स्टेबिलिटी वर्क करो ताकि माइंड अपना मतलब वहाँ पे घबराहट वगैरह ना हो, माइंड अनस्टेबल ना हो। जिस दिन आपके माइंड की स्टेबिलिटी हो गई, आपका माइंड स्टेबल हो गया, उसके बाद आपको कोई भी सक्सेस से नहीं रोक सकता, ये गारंटी है। तो अब से यही रहेगा आप लोगों को क्या करना है, अपनों ने आप प्रैक्टिस के साथ साथ अपने को माइंड पे भी वर्क करना है, माइंड की स्टेबिलिटी पे वर्क करना है। देखना 100% गारंटी आपको कुछ ही दिनों में शानदार वाला इंप्रूवमेंट दिखाई देगा और अच्छे मार्क्स बनेंगे आपको, रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव आएगा, ये मेरी गारंटी।